हथ तू दे जा हथ दी मेरे जानी केरी मोरी जाना हो नीता हम छोड़ी जाना। और कितना तेल खाएगा सर मेरा चीता? कल ही मैंने तेल भरा है सर इसमें, कितना तेल पिएगा ये? यहाँ पर पूरी चैसी जो है बाइक के नीचे बच चुकी है। इनकी थोड़ी सी गलती की वजह से आज इन्हें ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करेंगे सुबह के, गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 4 बजे रहे हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत करेंगे हम सुबह के 4 बजे रहे हैं, 7:30 बजे से। इस टाइम सुबह के लगभग 7:30 बज रहे दोस्तों। तो हम अभी सो के उठे, चाय वगैरह हमने सब पी ली है। तो बाकी कुछ इस तरह का है सुबह का यहाँ का ऑल ओवर व्यू। और ये पीछे को है हमारा रूम, और ये पीछे हमारे भाई लोग वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बाहर का ऑल ओवर व्यू बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ ब्यूटीफुल के लॉन्ग सिटी का। तो मैं आपको पीछे का ऑल ओवर व्यू बताता हूँ सुबह का, कुछ इस तरह का दोस्तों ऑल ओवर व्यू। पीछे का आप देख ही सकते हो, पीछे के नज़ारे कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं दोस्तों इस टाइम। और आपको पीछे बर्फ़ दिखी रही होगी पहाड़ों में, कितनी ज़बरदस्त बर्फ़ से पहाड़ ढके हुए हैं, काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है दोस्तों। और ये हमारे शिवांग भाई हमारे साथ। और दोस्तों मैं इस टाइम सुबह बनियान पर बाहर निकला हूँ, मुझे हल्की सी क्या बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है, बिल्कुल सर्दी वाली फीलिंग आ रही है आजकल अप्रैल के महीने में भी यहाँ पर। तो बाकी कुछ इस तरह का है दोस्तों ऑल ओवर व्यू यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों मिली हमारे इन भाईजान से, हमारे भाईजान है हमारे गांव से। आपको कभी भी इधर के लॉन्ग में विजिट करना होगा, आप हमारे साथ जरूर कांटेक्ट करें। हमारे भाई साहब का यहाँ पर अपना होटल मिल जाएगा आपको, बढ़िया रूम मिल जाएंगे यहाँ पर रेंट पे, रूम वगैरह सब कुछ बाइक प्रोवाइड हो जाएगी घूमने के लिए लद्दाख। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी ऑल इंडिया आपको आपको रेंट पे अगर बाइक भी लेनी होगी वो भी प्रोवाइड हो जाएगी। और हमारे भाई यहाँ पर इनके इन्होंने अपना यहाँ पर होटल लीज में लिया है, आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी। नाइट स्टे के लिए अच्छा रहेगा, नाइट स्टे के लिए बहुत बेटर रहेगा, कैंपिंग वगैरह सब कुछ आपको भाई के थ्रू आपको खास स्पेशल 400-500 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा, ये जरूर याद रखें। आप कॉन्टेक्ट करें जरूर, आपको कभी भी साइड का प्लान बनाना होगा। ये स्पेशली अपने सब्सक्राइबर के लिए जो अपने भाई को सपोर्ट करते हैं, उनकी हम इतनी हेल्प कर सकते हैं। बाकी आप उस टाइम जरूर कांटेक्ट करें दोस्तों जब भी आपका यहाँ पर घूमने का मन होगा। तो बाकी दोस्तों देखते हैं आज का प्लान कहाँ का बनने वाला है। तो फिलहाल तो हम इस टाइम सो के उठे, आपको दिख ही रहा है अभी तक मैंने ढंग से कमीज़ भी नहीं पहनी है। तो अभी हम इसके बाद रेडी होंगे, उसके बाद हम बताएंगे आपको आगे का मतलब हमारा आज कहाँ का प्लान बनने वाला है। क्यों शिवांग दादा कहाँ जाना है आज? अब देखते हैं, कोई पता नहीं अभी, डेस्टिनी का पता बाद में ही रहेगा जब हम यहाँ से रेडी होंगे। तो प्लान तो एक्चुअली कुछ है नहीं, हाँ जी जो भी होगा वो तो वैसे ही होगा जैसे बन गया। तो चलो भाई, तो फिलहाल दोस्तों हम एक बार रेडी हो लेते हैं, फिर देखते हैं हमारा कहाँ का मूड बनता है। आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बाकी दोस्तों स्टे ट्यून्ड। और आप देख ही सकते हो पीछे शीशे में पहाड़ी कितनी शानदार नजर आ रही है बर्फ से लदी हुई। बाकी हम एक बार, लेमिनेशन नहीं है ब्रो, ये रिफ्लेक्शन है। हाँ जी हाँ जी, ये पहाड़ी का रिफ्लेक्शन, इतना शानदार रिफ्लेक्शन है। तो बाकी हम एक बार रेडी हो लेते हैं, बाकी हम आपको आपको बाद में मिलते हैं दोस्तों, और बताते हैं हम आपको आज का हमारा प्लान कहाँ का बनने वाला है। बाकी स्टे ट्यून्ड गाइस। और ये नीचे हमारे राइडर जो बाइक की चेकिंग करने सुबह सवेरे चले गए, ये देखने की बाइक इतनी ठंड में स्टार्ट होगी या नहीं। और मैं आपको सामने का ऑल ओवर व्यू बताना चाहूंगा दोस्तों, ये है केलोंग सिटी जो कि बहुत ऊंचाई में बसी हुई है। और आप देख ही सकते हो यहाँ आसपास के पहाड़ बर्फ से कितनी खूबसूरती के साथ लदे हुए हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ की खासियत, जो ये बर्फ है ये यहाँ पर 12 महीने आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर स्केटिंग भी चलती है बर्फ में। और आप देख ही सकते हो दोस्तों ये जो पर्वत है ये बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयों के साथ ये दिख रहे तेरे को, अटैच लगते हैं बिल्कुल, छोटे छोटे 1, 2, 3, 4, 5 सात है ना, ये। और ये दोस्तों मैं आपको ऊपर जूम करके बताना चाहूंगा, ये आप पर्वत गिन सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 पर्वतों को सात ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हमारे भाई के द्वारा यहाँ पर ये जानकारी दी गई, जो हमारे भाई है ये काफी यूजफुल रहेगी आपके लिए ये। आपको कभी यहाँ पर विजिट करना होगा तो आसानी होगी आपको। ये पीछे हमारे बड़े भाई है जो बिस्तर में लेटे हुए है। इनका कल इनके साथ सडनली एक इंसिडेंट हो गया और इनको इनकी टांग में थोड़ी सी मोच आ गई है, इनका चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए हमारे बड़े भाई लेटे हुए बिस्तर में। तो बाकी दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे राइड आप भी सेफ्टी के साथ करें, इनकी थोड़ी सी गलती की वजह से आज इन्हें ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यहाँ पे। आप देख ही सकते हो पीछे हमारे भाईजान बिस्तर में लेटे हुए हैं, तो अब इनको यहाँ से पीठ में उठाकर लेना पड़ेगा बाइक के ऊपर बिठाने के लिए भी। इसलिए दोस्तों आप भी अगर कहीं घूमने आते हैं तो राइड सेफ दोस्तों, हेलमेट के साथ चले, यही कहना चाहूँगा आपको इस टाइम। फिलहाल दोस्तों हम आ चुके हैं रूम से बाहर और हम जा रहे हैं होटल में थोड़ा सा लंच करने इस टाइम। और ये आप देख ही सकते हो दोस्तों
यहाँ पीछे लगे हैं हमारे चीताज। तो बाकी चलते हैं दोस्तों, और पीछे की वादियों का नज़ारा आप लीजिए हमारे साथ पूरा पूरा। और ये हमारे भाई लोग जो कि फुल पावर इंजॉय कर रहे हैं पीछे, और आप देख ही सकते हो यहाँ की ऊंचाई केलोंग की 11,000 फीट के आसपास है, 10,980 फीट। तो बाकी चलते हैं दोस्तों होटल की ओर, और ये हमारे भाई लोग हमारे साथ, चले हम होटल की ओर। और ये हमारे भाई जान हमारे साथ, हमारे भाई जान। बाकी मिलते हैं आपसे दोस्तों आगे होटल में। तो आप देख ही सकते हो ये तीनों भूखर बंदे, इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया है बिना भाई के, मेरा भी कोई पराठा नहीं है आप देख ही सकते हो, और इन बिना अपने छोटे भाई के यहाँ कोई पराठा नहीं है, और इन तीनों भूखर बंदों ने आधे आधे पराठे खा के खत्म भी कर दिए, देख ही सकते हो आप, भलाई का कोई जमाना नहीं रहा है दोस्तों। तो फाइनली हमारे मेरा पराठा भी आ चुका, और हमारी चाय, हमने चाय ऑर्डर करी थी, और ये हमारे भाई ये अचार के साथ और दही के साथ पराठा खा रहे हैं। तो हम दोनों भाइयों की चाय आ चुकी है, हम चाय के साथ अब पराठे का पूरा पूरा लुत्फ उठाएंगे। छोटे वीडियो बनाने की बात नहीं है, तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारी कैसी निंदा कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई हमारी निंदा कर रहे हैं, और छोटे भाई भी पूरा पूरा समर्थन ले रहे हैं उनका। थोड़ा सा सस्पेंस है दोस्तों, अभी कोई पता नहीं हम कौन सी ताल को जाएंगे, फिलहाल पुष्पा बाबू जी आप तेल डाल के आओ, पर अभी थोड़ा सा सस्पेंस है, हम कहीं भी जा सकते हैं। अपना चीता कितना तेल पिएगा, बहुत तेल पी रहा है। आप तेल भर के आओ पुष्पा बाबू जी, हम आपका वेट यहीं करेंगे। लोभ लगा तेरा गे बाकी पड़ोसे तेरी तेरा मुहडू प्यारा हो, लोभ लगा तेरा गे, लोभ लगा तेरा गे, लोभ लगा तेरा गे बाकी पड़ोसे तेरी तेरा मुहडू प्यारा हो। आप देख ही सकते हो पीछे का ऑल ओवर व्यू कितना खूबसूरत है, और ये हमारे भाई लोग हमारे साथ चले हैं सफर पे, सफर का पूरा पूरा आनंद लेने, और ये हमारे पुष्पा भाई हमारे साथ फुल पावर, ये हमारे भाई शिवांग, और ये हमारे बड़े भाई। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे कुछ ही दूरी पर, यहाँ से थोड़े से आगे जाके मिलते हैं आपसे इससे भी खूबसूरत प्लेस में, बाकी मिलते हैं आपसे जिस पास जाके वहाँ का बताते हैं आपको ऑल ओवर व्यू कैसा होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो यहाँ से अब हमारे बड़े भाई राइड करेंगे, और हम बैठेंगे पीछे, हम पीछे का पूरा पूरा कितने तक भगा पाते हैं हम भाई, और देखते हैं यहाँ से हमारे बड़े भाई अपने चीते को कितना भगा पाएंगे यहाँ से, प्रदर्शन करेंगे यहाँ से। तो बाकी हम पीछे बैठेंगे अब आराम से व्लॉगिंग करेंगे, यहाँ से राइड हमारे बड़े भाई कर रहे हैं अब। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे जिस समय मिलते हैं आपसे। तो बाकी चलते हैं दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो खूबसूरत वादियों का नज़ारा ले सकते हो आप यहाँ से, एकदम जन्नत वाली फीलिंग आ रही है दोस्तों यहाँ से। तो बाकी मिलते हैं आपसे आगे जिस में। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी लोकेशन में ये गांव बना हुआ है, और कितना प्यारा सा नजर आ रहा है।
प्यारी। और ये अपने भाई लोग फुल ऑन मस्ती करते हुए बर्फ के बीच, और यहाँ हमारे भाई को, हमारे पुष्पा भाई को बर्फ के बीच खेलने का बहुत क्रेज चढ़ा है। और यहाँ पूरी तरह से हमारी बाइक जो है फुल चुकी है दोस्तों, आप देख ही सकते हो कितना डेंजर सीन है यहाँ का। और हमारे बड़े भाई से हमारी बाइक यहाँ पर नीचे घूमने वाली है, यहाँ बाइक फंस गई दोस्तों, आप देख ही सकते हो किस तरीके से यहाँ पर बाइक फंस गई है हमारी, आप देख ही सकते हो दोस्तों यहाँ पर पूरी चैसी जो है बाइक के नीचे बच चुकी है दोस्तों। ये चले हम पहले शेयर के ऊपर, ये चल चुके हैं हम और की वादियों में, आप देख ही सकते हो चारों तरफ, और मौसम भी काफी खराब है दोस्तों, आगे बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है। तेरे पीछे हो लगे नहीं लगने दोबारा, हाथ तू दे जा हाथ दी मेरे जानी केरी मोरी जाना, ओ दिल देना ते देना की नहीं नीता हम छोड़ी जाना, हाथ तू दे जा हाथ दी मेरे जानी केरी मोरी जाना, ओ दिल देना ते देना की नहीं नीता हम छोड़ी जाना। पंजाबी का ये ऐसे रहना भाई, फिलहाल तो हमारा प्लान यहाँ से जाने का था सूरजताल तक, हमने आपको पहले बता दिया था इस ब्लॉग में, पर मैं माफ़ी चाहता हूँ हम यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर रोक दिया है, आगे यहाँ से आगे किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं। फिलहाल हम इस टाइम यहाँ पर है दारचा में, यहाँ पर हमें रोक दिया गया है पुलिस के द्वारा, यहाँ आगे जाने के लिए इनकार कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से वापस जाना होगा। तो बाकी देखते हैं आपको कहीं और ले चलेंगे, पर यहाँ से आगे रोड ब्लॉक है इस कारण हम आगे नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। आपका भी मूड ऑफ हो गया बोलना है सर, मूड तो ऑफ होना ही था क्योंकि एक सपना था यहाँ से आगे सूरजताल देखने का जो कि पूरा नहीं हो पाया, तो बाकी कभी और टाइम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। इस टाइम थोड़ा मौसम खराब चला, आप देख ही सकते हो पीछे थोड़ी बर्फबारी भी हो रही है, उस कारण यहाँ पर आगे रोड ब्लॉक होगी, इसलिए हमें आगे छोड़ने से मना कर दी गई है। तो जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग में पहले बता दिया, हमें यहाँ से आगे जाने से रोक दिया गया है क्योंकि यहाँ आगे मौसम खराब होगा, रोड ब्लॉक होगी शायद क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से आगे। हाँ जी हाँ जी, अभी ले भी प्रॉपर नहीं खुला है क्योंकि यहाँ से आगे ऊंचाई ज़्यादा है ना दोस्तों, इस कारण थोड़ा मौसम भी आज खराब है, इसलिए रोड ब्लॉक होगी। तो बाकी दोस्तों हम यहाँ पर रुके हैं, हम यहाँ पर रुके हैं दोस्तों, और हाथ में है गर्मा गर्म चाहे, और दोस्तों आप समझ ही सकते हो ऐसी लोकेशन पर अगर हाथ में गर्मा गर्म चाहे हो तो दोस्तों क्या ही मज़ा आता है ऐसी लोकेशन में चाहे के साथ, बाकी आप समझ ही सकते हो दोस्तों। और आपको दिखाना चाहूँगा इस टाइम आसपास का ऑल ओवर व्यू, और आप देख ही सकते हो पीछे मौसम खराब हो चुका है, इसलिए हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। और आप दोस्तों देख ही सकते हो पीछे और भी हमारे साथी लोग, टूरिस्ट लोग चले हैं जिन्हें कि यहाँ पर मजबूरन रोकना पड़ेगा क्योंकि
क्योंकि यहाँ से आगे दोनों ब्लॉक है दोस्तों। तो बाकी दोस्तों गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठाते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो यहाँ पर कितने ज़्यादा बाइकर्स आए जिन्होंने की बाइक्स ऑन हायर की है। तो दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा जंगली बकरे, आप देख ही सकते हो ये जंगली बकरों की प्रजाति है दोस्तों, और आपको थोड़े थोड़े ये हिरन की तरह भी नज़र आएंगे दिखने में, इनके सींग कुछ हिरन की तरह दिखने में लगते हैं, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है ये। और दोस्तों आप ये देख सकते हो यहाँ फोटो शूटिंग चली है इतने डेंजरस जोन में, बहुत ही खतरनाक पॉइंट में। और आप देख ही सकते हो यहाँ से ऊंचाई, ये हम आसमान की ऊंचाइयों पे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ राजस्थान के बंदे मिल चुके हैं और इनके साथ हमारी थोड़ी सी वार्तालाप चली है। तो दोस्तों ये है केलोंग का बहुत ही फेमस ब्रिज जो कि केलोंग के साथ में ही पड़ता है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो यहाँ पर शिवांग दादा जो है हमारे लिए खाना निकाल रहे हैं, सेल्फ सेवा ब्रो। और आप देख ही सकते हो लजीज खाना, ये है यहाँ के राइस और ये है कौन सी दाल है ब्रो, राजमा की दाल है। ये है राजमा की दाल, बाकी इसमें सिर्फ राज है, इसमें सिर्फ राज है, महा नहीं है भाई का ये कहना है, झुकेगा नहीं, कच्चा है सारा दाल भी। हाँ जी हाँ जी। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं फिर से अपने होटल में वापस, इस होटल में हम कल ठहरे थे, इस होटल का नाम है राजगुंडा, और हमने यहाँ से चेकआउट कर लिया था सुबह दूसरे होटल के लिए जो इसके साथ में होटल, उसका नाम है विस्पा, और हम वहाँ से तो दोस्तों हमने सुबह यहाँ से चेकआउट कर लिया था और हम घूमने गए थे, आपको हमने बता ही दिया हम जा रहे थे सूरज ताल लेक आपको दिखाने जो कि हम नहीं दिखा पाए। तो हमने आज स्टे करा है यहाँ साथ में, दूसरा होटल है उसका नाम है वरपा, तो वहाँ पर हमने आज नाइट स्टे करने के बारे में सोचा है साथ में ये दोनों होटल। आप जब भी यहाँ के लोग आते हैं तो यहाँ आप ज़रूर आएँ, और मैं आपको इन भाई का नंबर आपको मैं दे दूंगा, आप हमारे को टेक्स्ट कर सकते हो अगर आपकी ठहरने की यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं, जो मेरे सब्सक्राइबर है उनके लिए डिस्काउंट भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत, यहाँ पर अपने ही बंदे हैं सारे दोनों होटल में। तो बाकी दोस्तों हम यहाँ पर डिनर करने आई, आप देख ही सकते हो पीछे डिनर तैयार है। दादा कैसा लगा आपको स्वाद खाना का, मजा आ रहा है, स्पेशली हमारी इन भाई जान ने बनाई है ये दाल।